एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास, और इसमें क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू ए मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा है, उसके बाद रिड्यूस मतलब उसको काट के छोटा करना, अगर बड़ा है और वो कटने के लायक है तो उसको काटना है और उसको छोटे फॉर्म में लोवेस्ट फॉर्म में कर लेना है, उसके बाद फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। यहाँ तीन काम करना है, तो हम लोग इसको बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट यहाँ पर मैंने लिया है, और सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई ये जो है ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, और अगर कटता है ये तो हम इसको काट भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल कटने की जैसा तो नहीं दिख रहा है। 7 3 जा कितना हो गया, 21, 7 3 जा 21 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, तो ये कटने वाला है नहीं, मतलब रिड्यूस नहीं होगा ये, ठीक है, रिड्यूस नहीं होगा, इसका मतलब है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 5 4 जा 20 होता है, 5 4 जा 20 और 1 इसमें बच गया, तो जो रिमाइंडर होता है ऊपर बच जाता है और नीचे जो है वही रहता है, 4 and 1/5, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको उस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ कुछ कटने वाला तो दिख नहीं रहा है, 4 1 जा 4 हो गया और 3 नीचे में 4/3 हो गया, कटेगा नहीं, तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एक बार में गया तो 1 बच गया और यहाँ नीचे में 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कटने वाला नहीं है तो 7 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया और नीचे में 7 हो जाएगा, 12/7 इक्वल टू हो जाएगा 7 2 जा 14 होता है, तो 1 बार में ही जाएगा, तो यहाँ पे 1 बार में जाएगा, यहाँ पे नीचे में 7 हो जाएगा और यहाँ से 7 निकल गया तो 5 बच जाएगा, तो 5 जो है यहाँ ऊपर में रह जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। और ये है 5 2 जा 10 / 9, कटने वाला तो नहीं है, तो यहाँ पे 9 1 जा 9 और 9 नीचे रहेगा, रिमाइंडर यहाँ पे 1 बचेगा, तो यहाँ 1 हो गया, 1 and 1/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का और 4 पार्ट यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, 5 6 7 8, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये इधर दिया हुआ है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, इसके साथ ये नीचे वाले से ये कट सकता है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 कटने वाला नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो गया / 3, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा, 2 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6, तो यहाँ 6 निकल गया तो 2 बचेगा, तो यहाँ 2 ऊपर और नीचे 3 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर में ये कट सकता है, यहाँ भी हम काट सकते हैं या फिर बाद में काट सकते हैं, तो 5 6 जा 30 हो गया, यहाँ पे ये काट देते हैं, ये कट गया यहाँ पे, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 5 3 जा 15, तो फाइनली इसका आंसर 15 आएगा, इसमें कुछ भी फ्रैक्शन नहीं आएगा। और यहाँ पे अगर हम इसको काटते हैं, ये तो कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा, 11 4 जा 44 हो गया और नीचे में 7 हो गया, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, कटेगा नहीं, तो 7 6 जा 42 42, तो 2 बच गया और नीचे में 7 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, इसका फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इसका जो है 16 आएगा और 16 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 2 पार्ट बचा हुआ है, उसको ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट 2 पार्ट है, और इसमें यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तो 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13/3 ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, कटेगा तो नहीं, तो 3 4 जा 12, 4 बार में जा रहा है, 12 तो 1 बचेगा और नीचे में 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ये कट जाएगा, 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9 और यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।